तोड़ने के लिए कहीं अननेसेसरी भीड़ जो लगाए हुए हैं, तो क्राउड डिस्पर्सल स्क्वाड है जहाँ पर सायरन बजाकर आप लोगों को भय पैदा करके हटा सकते हैं। चौथा जो ये देखेंगे कि दुकान, हाट बाजार इस तरह के जगहों पर कोई इसका पालन हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोगों ने अपने स्तर से इसके टीम फॉर्मेशन की है, कुछ पहले से काम कर रही है, कुछ आज के बाद काम करेंगे। और कल माननीय CM के द्वारा भी बहुत बिंदुओं पर बात विचार भी रखा गया था, उनके द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि इसमें किस प्रकार से हम लोग और बेहतर तरीके से और मानवीय दृष्टिकोण से ज़्यादा लोगों को सेवा दे सके, स्पेशली जो रूरल एरिया में है जिनको पता भी नहीं चलता, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जा रही है। तो उन तक इन बात को पहुँचाना कि कोविड इस बार के कितने सीरियस है, क्या उसके सिम्टम्स और कैसे आप लोग इससे बचाव कर सकते हैं। तो गाँव गाँव तक पहुँचने के लिए वार्ड सर्विलेंस दल है। तो मैं जिले वासियों से ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो महाराष्ट्र से, सूरत से, इस तरह से जगहों से लौट रहे हैं, तो कृपया उनका सबसे पहले वार्ड सर्विलेंस दल को सूचित जरूर कर दें कि ये व्यक्ति बाहर से आए हैं। बहुत तो हो सकते हैं हरिद्वार से, कुंभ से भी नहा के आ रहे होंगे, तो वहाँ से भी अगर कोई लौटे हैं तो इस तरह के हर एक व्यक्ति का पहले जाँच किया जाए। और अगर उसके उनको कोई सिम्टम नहीं है या उनका अगर नेगेटिव आ जाता है इमीडिएट रैड टेस्ट में, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। और अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको हम लोग यहाँ कोविड के अपने केयर सेंटर में हैं। मैं बता दूँ पूरे जिले वासियों को।